एक नई शाम, नई शुरुआत, आप और मैं एक दूसरे के साथ। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और ये ऑडियो नोट का अगला हिस्सा है। कैसे हैं आप? जिंदगी में सब ठीक ठाक हैं? यहाँ भी सब कुछ ठीक ठाक हैं। तो आज थोड़ा आराम है, कम काम किया है, कुछ ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं, कुछ ज़्यादा कहानियों को ढूंढा है, तलाशा है। इस तरह से पूरा इतवार निकल गया, पर इतवार निकलते निकलते लगा नहीं कि इतवार निकला है। मुझे लगता है इतवार ना हर किसी के लिए अलग अलग यादों को लेकर आता है। मेरे लिए इतवार बिल्कुल अलग है। जैसे इतवार हमेशा मेरे लिए फिल्मों का दिन रहा, खेलने का दिन रहा, और अब आराम करने का, सोने का या किताबें पढ़ने का दिन होता है। किताबों से भागते थे बचपन में क्योंकि लगता था कि इन किताबों से कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन अब इन किताबों के बगैर जिंदगी नहीं है। वैसे बचपन से मैं किताबें पढ़ता था, तो कहानियों की किताबें पढ़ना बड़ा पसंद था मुझे। मेरा जो दा है, दा मुझसे एक क्लास आगे था, और उसकी जो हिंदी की कहानियों की किताब होती थी मैं उसको पूरी पढ़ जाता था, और अंग्रेज़ी में जो किताब होती थी उसकी एक गाइड मिलती थी, गाइड में हिंदी में ट्रांसलेशन लिखा होता था उसकी कहानियों का, तो वो कहानियाँ भी मैं पढ़ जाता था। कई बार माँ कहती थी तो अपनी किताबें नहीं पढ़ता, दूसरों की किताबों से मतलब रखता है। लेकिन मैं थोड़ा सा अलग था और मैं सारी किताबें पढ़ जाता था। एक और काम हमने किया था कि कॉमिक्स देखिए आपने, कॉमिक्स तो वो नंदन चंपक आती थी और नन्हे सम्राट, चाचा चौधरी, सुपर कमांडो ध्रुव, ऐसी बहुत सी कॉमिक्स आया करती थी। तो उसको हम क्या करते थे, बड़ी सी किताब के बीच में छिपा लिया करते थे और पढ़ना शुरू कर देते थे। शुरुआत में एक दो दिन जब हमने पढ़ना शुरू किया तो माँ बाबा को, दादाजी को बड़ा अच्छा लगा कि अरे यार देखो बच्चे कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा है, बच्चे पढ़ने में ही लगे रहते हैं दिन रात। फिर एक दिन अचानक उनको कुछ शक टाइप का हुआ, दादाजी आए अचानक, बोले किताब खोल। मैं कहा किताब पढ़ रहा हूँ मैं। वो किताब खोल, किताब खोल, वो क्या है अंदर? मैं कहा कुछ नहीं। तो देखा वहाँ नंदन थी। तो नंदन चंपक की पूरी एक ढेरी थी हमारे पास। वो कोई छिमवाल जी नाम के एक व्यक्ति थे, वो अपने पास रखे रहते थे इन किताबों को। तो उनसे एक रोज़ पापा ले आए थे क्योंकि वो पढ़ नहीं रहे थे, उनके बच्चे नहीं पढ़ रहे थे उन किताबों को, तो हमने उनको पढ़ना शुरू कर दिया। और एक बार जो चस्का लगा ना उन किताबों का, उन कहानियों का, मतलब ऐसा लगता था कि यार यही दुनिया होती, काश वो जो कैरेक्टर थे उन किताबों के वो मुझे सच लगने लगे थे, और आज भी सच लगते हैं। सही कहूँ, मैं कोई कहानी सुनता हूँ या सुनाता हूँ तो मुझे लगता है मैं उस कहानी के साथ उस दौर में सफ़र कर रहा हूँ, मैं उस कहानी के साथ चल रहा हूँ। आपके साथ होता है ऐसा कभी कि मतलब आप कोई कहानी सुनो और आपके सामने एक इमेज आ जाए, एक फिल्म की तरह? मुझे कई बार ऐसा एहसास होता है। आज मैं सोच रहा था ना उन लोगों के बारे में कहने का जो लोग कई बार, कई जगह पर अलग अलग कामों में दूसरों की हेल्प करते हैं। कैसे? जैसे दवाइयों के लिए काम करते हैं, खासतौर पे घर में ना एक मेंबर ऐसा होता है जो सबकी हेल्थ का ख्याल रखता है, उसे मालूम होता है कि कौन सी दवा किसको किस वक्त देनी है। तो हमारे घर में हमेशा एक काम दद्दा ने किया, मतलब मम्मी पापा मैं, कोई भी बीमार होता था सबसे ज़्यादा दवाइयों का हिसाब दद्दा को रहता था, उसे पता रहता था कि कौन सी गोली किस वक्त किसे देनी है। ऐसे कुछ लोग होते हैं ना मतलब जो सबके लिए ख्याल रखने वाले होते हैं, और उनको कभी कोई दिक्कत आ जाती है तो हम सब परेशान हो जाते हैं। मतलब हमारे वहाँ ऐसा है कि दद्दा को लेकर के सबके दिल में अलग मोह है, उसे सब प्यार इसीलिए भी करते हैं क्योंकि वो सबकी फिक्र करता है पर दिखाता किसी को नहीं। मतलब कभी प्यार से ऐसे ना दा ने मुझे कभी गले नहीं लगाया, अगर कभी मैं उसे गले लगाने जाऊँ तो धक्का मार देता है मुझे या फिर दूर भगा देता है। वैसे भाई से गले लगना एक सपने की तरह होता है। पापा से तो मैं गले लग लेता हूँ आराम से, पापा और मैं बहुत क्लोज हैं। मम्मी से भी मैं आराम से कोई भी बात शेयर कर लेता हूँ, लेकिन दद्दा से ना एक पर्दा टाइप का है, या ये कह लो कि मतलब उसको लेकर के वाली फीलिंग है कि जैसे एक बच्चे की ना अपने पिता को लेकर फीलिंग होती है, वो मुझे मेरे अपने बड़े भाई को लेकर के, दा को देख करके पता नहीं क्यों एक अलग टाइप का डर लगे रहता है। ऐसा लगता है कि अरे यार कहीं दा को बुरा लग जाए, कहीं उसको तो बुरी लग जाएगी ये बात। एक रहता है वो पर्दा, वो है हमारे बीच और वो हमेशा रहेगा। क्योंकि आज मुझे लगता है ना जो मैं कहानियाँ सुना रहा हूँ, जो मैं बातें बता रहा हूँ, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं रीज़न दा ही है। अगर वो कभी इस चीज़ के इनिशिएट नहीं करता कि यार बच्चों तुम कुछ ऐसा काम करो, मैं संभालता हूँ सारी चीज़ें, मैं म्यूज़िक संभालता हूँ तेरा, वो नहीं कहता तो शायद आज हम ये काम कर भी नहीं पाते, ये कहानियाँ नहीं सुना पाते, ये बातें नहीं कर पाते। आज मैं बातें करते हुए थोड़ा इमोशनल भी हो रहा हूँ आपसे, लेकिन पर रियलिटी यही है कि हम सबके अंदर ना एक
एक ऐसा इंसान होता है जो, मतलब हम सबके पीछे एक ऐसा इंसान होता है जो आपकी मदद के लिए हमेशा खड़ा रहता है। आपकी ज़िंदगी में भी कोई ना कोई तो ऐसा रहा ही होगा ना कि जिसने आपको हमेशा मदद की होगी। मुझे बताइएगा ऐसा कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में भी रहा है तो। अच्छा, कल मैंने जब वीडियो डाली थी जिसमें मैंने लिखा था कि इंस्टाग्राम से ब्रेक ले लिया, तो बहुत ढेर सारे कमेंट आए थे, तो मुझे लगा कि आज इन कमेंट्स को पढ़ना शुरू करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी मेरी बातों का ये कॉन्सेप्ट भी रहा है कि मैं उसमें हमेशा आपके भेजे गए कॉमेंट्स को पढ़ता हूँ और उनका जवाब देता हूँ। तो पहला कमेंट शेरिल का है जो लिखते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गॉड ब्लेस यू विथ योर वंडरफुल वॉइस, प्लीज़ डोंट टेक ब्रेक फ्रॉम यूट्यूब सर, योर वॉइस मेक्स अवर डे। तो शुक्रिया मेरे भाई ऐसे ही मोहब्बत करने के लिए, जो आप मोहब्बत देते हैं उसी वजह से ये आवाज़ ज़िंदा है, ये आवाज़ आप तक पहुँच पाती है। ऑफिशियल प्रदीप कहते हैं, ज़्यादा ब्रेक ना लेना सर, इंस्टाग्राम अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है, योर वॉइस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो मैं ये कहना चाहूँगा मेरे भाई कि ब्रेक जो है ना, ये तो मतलब ये टेम्प्रेरी है, ये सारी चीज़ें जो सोशल मीडिया वगैरह है, आपकी मोहब्बत जो है वो परमानेंट है, क्योंकि वहाँ नहीं तो यहाँ, यहाँ नहीं तो कहीं और, आप ज़रूर सुनेंगे, एक ज़रिया ज़रूर ढूंढ लेंगे। शिवम कहते हैं, आवाज़ के जादूगर पंकज सर, क्या बात है मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुचिता कहती हैं, यू नो आई जस्ट रीच टू होम एंड एवरीवन इज़ बिजी डूइंग देयर वर्क एंड हेयर इन हैविंग माई डिनर वाइल लिसनिंग टू दिस। तो शुक्रिया सुचिता, इनको मून गर्ल के नाम से भी जाना जाता है, तो ये बहुत खूबसूरत ख़त लिखती हैं। कुछ दिनों पहले इन्होंने मुझे एक ख़त भी भेजा था जो मैंने पढ़ा ना, तो मुझे लगा कि यार मैं क्या जवाब दूँ, मैं उसे शेयर भी नहीं कर सका, मैंने उसे संभाल के रख लिया अपने दिल की किताब में और शुक्रिया कहा है। आज मैं बता भी रहा हूँ तुमको सुचिता कि मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम्हारा नाम सुचिता है, मून गर्ल है, ये मुझे अच्छी तरह से नहीं पता, लेकिन जो भी तुम्हारा नाम है, तुम्हारा ख़त देख करके मुझे बहुत खुशी हुई थी। उसके बाद का मैसेज समी भाई का है, लिखते हैं, पंकज सर बिग फैन, तो शुक्रिया। सुरेश धामी लिखते हैं, आई एम वेटिंग फॉर इंस्टा सर, मैं अभी तो फिलहाल यहाँ मिल रहा हूँ, शायद यहाँ आपको और भी कुछ नई चीज़ें लेकर के आऊँगा, इंस्टाग्राम पे कब लौटना होगा इस बारे में अभी पक्का नहीं है। तो शुक्रिया मोहब्बत के लिए। यशोधरा पारिक लिखती हैं कि बनारस आने की और भी वजह दिए जा रहे हैं आप जीना साहब, तो आप कभी भी बनारस आइए यशोधरा, आप बैठिएगा घाट किनारे और आवाज़ दीजिएगा, मैं ज़रूर पहुँच जाऊँगा, नहीं तो मुझे तलाश कीजिएगा, मैं वहीं आसपास आपको मिलूंगा। उसके बाद प्रिया कार्तिक लिखते हैं कि वी मिस यू अ लॉट सर, तो शुक्रिया प्रिया। उसके बाद संजय, इनका नाम है संजू वाईटी, इन्होंने लिखा हुआ है अपना नाम, ये लिखते हैं कि फ़कीर मिजाज हूँ मैं, अपना अंदाज औरों से अलग रखता हूँ, लोग जाते हैं मंदिर मस्जिद, मैं अपने दिल में खुदा रखता हूँ। तो शुक्रिया संजू इस प्यार के लिए। प्रेरणा लिखती हैं, थैंक यू जीना जी यूट्यूब पे अपने पोस्ट डालने के लिए, ये तो वादा है कि यूट्यूब पे तो हर रोज़ हम आपके लिए मिलते रहेंगे। मुबारक अहमद, मेरा छोटा भाई है, लिखता है कि वेटिंग इंस्टाग्राम के लिए सर जी, तो मेरे भाई जल्द ही अगर आना हुआ तो वहाँ ज़रूर आएंगे, लेकिन यहाँ तो हम रेगुलर हैं। प्रिया ने लिखा है कि हाय आपकी हंसी सर, लव यू, लव यू सो मच प्रिया, ऐसी मोहब्बत करते रहिए। इट्स रावत बॉय लिखते हैं, एक्साइटेड, ओके शुक्रिया, बिग फैन ब्रो, लव यू फ्रॉम बिहार आरा भोजपुर। अभिजीत लिखते हैं, तो अभिजीत बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उसके बाद स्वाति ने लिखा है, पंकज जी इंस्टाग्राम पर अब नहीं आएंगे आप, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज़ जल्दी आ जाइए, हम सब इंतज़ार करेंगे। स्वाति, मुझे लगता है कि अभी तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर यूट्यूब के ज़रिए बातें कर रहा हूँ, आप मुझे यहाँ ईमेल कर सकती हैं कोई भी बात, कोई भी ख्याल आपके मन में हो, तो जल्दी ही मन करेगा तो मैं इंस्टाग्राम पे वापस लौटूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ वक्त की छुट्टियाँ चाहिए, क्योंकि 1.5 साल से एक भी छुट्टी नहीं ली थी हमने, इसीलिए ज़रूरी था। अंजलि कार्की ने दिल बनाया, शुक्रिया अंजलि। लवली तिवारी ने दिल बनाया, शुक्रिया आपका। गौरी दत्ता हंसती हैं, मुस्कुरा रही हैं, लिख रही हैं हा हा हा, तो शुक्रिया गौरी। नाइस लिखा है गेमिंग ने, गज्जे पताकी लिखते हैं दिल बना करके, तो शुक्रिया। कीर्ति शर्मा ने लिखा है, आपके लिए तो इंस्टा अकाउंट बनाया था, आप अब आप ही जा रहे हैं वहाँ से, फिर आ जाइएगा, ओके। और हाँ, आपको आंख बंद करके ही सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपको सुनना, बहुत बहुत शुक्रिया कीर्ति इस प्यार के लिए। प्रियंका वर्मा लिखती है, मिस यू अ लॉट, याद करने के लिए मैं आपसे दूर थोड़ी गया हूँ प्रियंका, मैं आपके पास ही हमेशा हमेशा के लिए। मनन लिखते हैं, हेलो सर, हेलो मनन। 1 मिलियन ने लिखा है, भाई कब आओगे इंस्टाग्राम, तो 1 मिलियन जी आपका नाम क्या है, अगर आप अपना नाम लिख देते तो मुझे और अच्छा लगता, मैं जल्दी आऊँगा। गौरी दत्ता लिखती हैं, कोलकाता भी प्यार में पड़ जाओगे, कभी जाओगे तो नहीं पता चलेगा। तो गौरी, मैं अगर कभी कोलकाता आया तो ज़रूर आपसे मिलूंगा, वहाँ मुलाकात करेंगे। सुचिता लिखती हैं कि हाँ मुझे पता है,
गौरी दत्ता ने लिखा, अरे आपने जादू की छप्पी नहीं दी, आज मैं ज़रूर से जादू की छप्पी दूंगा। ओके, सुचिता ने ही कमेंट किया है, लंका वो क्या है? लंका बनारस में एक जगह है, जैसे अलग अलग जगहों के नाम होते हैं, यहाँ एक प्लेस है लंका जहाँ पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी स्थापित है और बहुत खूबसूरत यूनिवर्सिटी है और वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। कभी मौका लगे तो इंटरनेट पे तलाश कीजिएगा लंका बनारस, तो आपको पता चलेगा। गौरी दत्ता ने एक और सवाल पूछा, इंस्टा ब्रेक कर पाओगे? हाँ मैं ब्रेक कर सकता हूँ गौरी, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि अगर आज नहीं तो कल ये सारी चीज़ें छिन जाएंगी तो मैं क्या करूँगा। तो मेरा एक ही जवाब है कि मैं यहाँ से दूर अपने गांव चले जाऊँगा और मैं कहानियाँ तो हमेशा सुनाता रहूँगा उम्र भर, जैसे मुझसे हो सकेंगी। तो इसीलिए तो शुक्रिया इस प्यार के लिए। पूजा कुमारी ने हाय लिखा, हाय पूजा, कहाँ रहते हैं आप? ब्रजेश ने लिखा है, आप बनारस रहते हैं? उसके बाद ही पूछा है, जी मैं बनारस रहता हूँ। अगर आपको मेरा पता तलाश करना है तो दैनिक जागरण रेडियो सिटी नदेसर में आप मेरा पता तलाश कीजिएगा। जब भी कभी आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे ना, तो दैनिक जागरण बनारस करके आप सर्च करिएगा तो आपको पता मिल जाएगा। वहीं पर भी मेरा नाम लगा दीजिएगा ऊपर से, आरजे पंकज जीना, दैनिक जागरण नदेसर, आप मुझे ढूंढते ढूंढते तलाश करते हुए पहुँच ही जाएंगे। अभी पास आ जाइए, एक झप्पी का वक्त है, टाइट, बहुत टाइट झप्पी। आई लव यू, अपना ख्याल रखना। और हाँ, कोई भी बात, कोई ख्याल, कोई शिकायत, सुझाव आपके मन में हो तो मुझसे ज़रूर शेयर करना। ईमेल कर सकते हो kahaniwalaladka9@gmail.com पर, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। और सुनो, ऐसे ही प्यार देते रहना, आपकी मोहब्बत है तो सब कुछ अच्छा है ज़िंदगी में। बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया, टेक केयर।